तेरा पड़ा। सो गाइस, हम लोग आए हैं अभी अमृतसर रेलवे स्टेशन। मेरे को यहाँ से जाना है पठानकोट, और पठानकोट जाने के लिए यहाँ से ट्रेन पकड़नी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, यहाँ पे रावी की टिकट लेने आए हैं, और इतना ज़्यादा रश है। टिकटें होती हैं यहाँ की, आधा कुछ नजर तो आ नहीं रहा मेरे को, प्रिंट सिनेमैटिक मोड है ना। हाँ, सो गाइस, टिकट ऐसी होती है। गाइस, हम आ चुके हैं अमृतसर स्टेशन रेलवे स्टेशन। तो ऑस्ट्रेलिया के रेलवे स्टेशन से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ होता है, सुगंध भी आती है, दुर्गंध भी आती है यहाँ पे। बट एनीवेज, रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा है। यहाँ पे वो हमारी ट्रेन लगी है, जनरल क्लास है मेरे को, क्योंकि पठानकोट एसी वाली जाती नहीं है। तो मेरी बुआ पठानकोट रहते हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। एंड हाँ, तो वहाँ पे उनके पास डॉगी है जो मेरे को 2 साल से वेट कर रहा मेरा, तो मैं उनसे भी मिलूँगा। पर ट्रेन ब्लू कलर की होती थी, येलो कर दी इन्होंने। सो गाइस, नॉस्टैल्जिया किकिंग इन। ट्रेन में हम आ चुके हैं, और ऐसी फीलिंग हर जगह आनी चाहिए DTLJ वाली। यहाँ से पापा DTLJ वाली फीलिंग आ रही मेरे को, पर ट्रेन बहुत गंदी है, एसी नहीं है यहाँ पे, सफाई नहीं, सफाई एसी। तो गाइस, आपको ये पता होगा ये जाली में क्यों रखा, क्योंकि लोग पक्खे निकाल के चले जाते हैं यहाँ से, तो पक्खे बचाने के लिए किया हुआ है। और एक यहाँ पे तो टॉयलेट के ऊपर जो मग है उसको भी, हाँ, यहाँ पे टॉयलेट के ऊपर मग रखा था, वो मग भी उन्होंने वो जंजीर लगा के रखा था, क्योंकि उठा के ले जाते लोग। जंजीर में चेन। ऐसे हरे हरे खेत विद अ लिटिल बिट अबैंडन साइकिल पता नहीं किसकी है, बीच में ए डिगेगा भैया, उन्हें चल ऐसी वो बच गया। ऐसे है यहाँ का मिलिट्री एरिया, इसको पठानकोट कैंट भी कहते हैं, और यहाँ पे मेरे ख्याल से टेररिस्ट हमला हुआ था ना 2016 में, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता था। वो एयरबेस था इनका, एयरबेस यहाँ के आसपास ही है इसके, पूरे कैंट एरिया का मिलिट्री। ये भी सीन देखने को मिल सकते हैं आप लोग, तिवारी जुआ करते हैं लोग, देखो टाइम पास ऐसे पेड़ के नीचे गए। चढ़ दो ना, चलो। तो गाइस, अपन लोग पहुंच चुके हैं पठानकोट रेलवे स्टेशन, मतलब ये है पठानकोट, और हाँ ये थी अपनी ट्रेन। कम से कम हम 9:15, 9:20 को चले होंगे, 11:40 को यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एंड बस अब जाते हैं अपने बुआ के घर। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, आई थिंक सो आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन टू कम एट दिस टाइम टू इंडिया। डीजल शेड, यहाँ पे डीजल डालते हैं। चल आप चलते हैं ऑटो व्लॉग, मोटो व्लॉगिंग की जगह ऑटो व्लॉगिंग, अब ऑटो पकड़ेंगे। तो गाइस, यहाँ से हम टिकट लेते थे, और हाँ ये मेरे को पुरानी यादें आ रही, क्योंकि मेरा यहाँ पे काफ़ी बचपन बीता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने बुआ के घर आता रहा हूँ बहुत बड़ी, और वहाँ पे मेरे को इतना मज़ा आता रहा बुआ के घर, क्योंकि उनके दो बेटे हैं, और बेटे हमेशा मेरे को
एंटरटेन करते रहते थे। बट बाकी ऐसा है सीन यहाँ पे कि लोग देखते रहते हैं इधर के तुम व्लॉगिंग कर रहे हो, क्योंकि उनको पता नहीं चलता तुम कर क्या रहे हो एक्चुअली में, तो वो तरह तरह की शक्लें बनाते हैं, तो वो शक्लें देख के भी मेरे को हंसी आती कभी कभी, मैं हंसी कंट्रोल करता हूँ। शक्लें बनाने का कारण है वो कन्फ्यूज है वो ये क्या कर रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं ना कि बंदा कैमरे से बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। तो भैया हम फर्स्ट टाइम बैठ रहे 2 सालों बाद ऑटो में। छोटा सा बाजार, जो आपके लिए है छोटा सा बाजार, छोटा बाजार। हाँ, ये हमारे ढोलकी वाले अभी। अरे वाह, ये वाले कपड़े वाले बाजार, आगे आएगा गांधी चौक। चलो गांधी चौक का मजा लेते हैं आपके सामने। गांधी चौक का जॉय करते हैं, आधे लोग पैदल ही जा रहे हैं और आधे लोग ऑटो पे जा रहे हैं। थैंक यू भैया, बाय बाय। लेट्स गो। मेरे पहलवान हो गया। सो गाइस, इसके बाद कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसके बाद मैं जस्ट इसको मतलब मैक्स, सारा दिन मैंने अपने डॉगी के साथ स्पेंड किया। मैं मैक्स को बाहर लेके गया घुमाने वगैरह, चक्कर चुक्कर लगवाने, जो उसकी यूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब मैंने करवाई, क्योंकि मैं 2 साल बाद उससे मिल रहा था और आई वाज सुपर एक्साइटेड टू मीट हिम एक्चुअली, बिकॉज उससे मेरा बहुत लगाव था, बिकॉज व्हेन वो छोटा सा था तो मेरे साथ सोता था, तो समझ रहे ना, तो मेरे को अच्छा लगता है इसके साथ टाइम स्पेंड करना। और ऑफकोर्स आई एम अ पेट लवर, मेरे को डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और जहाँ पे कभी कुत्ता दिख जाए मेरे को मैं वहाँ पे फिसल के निकल जाता हूँ, बिकॉज आई लव डॉग्स। बट इसके बाद मैंने सारा दिन अपने डॉग के साथ स्पेंड किया। उसके बाद मैं मंदिर वगैरह गया था, क्योंकि बिकॉज मैं पठानकोट जब भी जाता हूँ एक मंदिर जरूर जाता हूँ, वहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति बनाई है, वो मतलब मूर्ति बनाई नहीं है, पापा ने रखवाई है, मीन्स पापा ने वहाँ पे स्थापित करवाई है, मीन्स अगर थोड़ा हिंदी में ज़्यादा हो जाएगा। भाई लोग, अभी हम जा रहे थे पन्ने की दुकान में, यहाँ पे एक वो है स्वीट शॉप है जहाँ पे मेरे को थोड़ी सी मिठाई लेनी है ताकि मैं मंदिर जा सकूँ। यहाँ पे हमारा एक मंदिर है वो पीयूष भैया पीछे झांकते हुए, पीयूष प्रेशर म्यूजिक। हेलो गाइस, ये मेरे 2 साल से वेट कर रहे सब्सक्राइबर लोग, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पन्ने की दुकान में, मेरे को जाना है मंदिर पे। यहाँ की जो बर्फी है ना मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ, जब भी मैं पठानकोट आता हूँ तो ये खाता ही आ रहा हूँ। हम बजरंग बली को भी यही भोग लगा रहे हैं, क्या ये है आशा पूर्णी मंदिर। यहाँ की मान्यता ये है कि जब हम यहाँ पे कुछ भी मांगते हैं तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। मैं ऑस्ट्रेलिया जेंस वाले यहाँ पे पूछ के गया था ना, मांग के गया था, तो मैं इसलिए यहाँ पे आता हूँ। पावर बैंक लटक पूरी में ज्यादा फेंडर लग जानी है, पिका मार मार के होया नहीं, ऑन नहीं है यार, स्टार्ट बॉय है और प्रभाव खोल दे। मैं पानी दिया समझ नहीं आता, ये जो इन्होंने लड़कों ने पहनी होती टोपियां बॉय वाली, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं। आई एम अ बॉय, मैं ट्रांसजेंडर।